हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, हमने जो है अपना पहला फाइलम एनिमल किंगडम का पोरीफेरा स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। और पोरीफेरा के बारे में हम लोग अभी तक जो है बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ें जो है हम सीखे हैं अभी तक, जैसे कि पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। एकदम सिंपलेस्ट एनिमल है ये अपना, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि इसके बॉडी वॉल के बारे में, इसके बॉडी में तीन वॉल हमको देखने को मिल रहे थे, है कि नहीं। जो बाहर वाला था पिनाकोडर्म, इनर वाला था आपको क्या देखने को मिल रहा था, जैसे कि क्वानोडर्म देखने को मिल रहा था, बीच में मेसेनकाइमल लेयर आपको देखने को मिल रहा था, उनमें किस तरह के सेल मिल रहे थे वो भी हमने डिस्कस किया था। हमने देखा कि पोरीफेरा में डाइजेशन किस तरह से होता है, पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, पोरीफेरा का बॉडी सिमेट्री कैसा होता है। तो लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव लर्न अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। सो टुडे वी विल बी लर्निंग सम टॉपिक विच आर लेफ्ट इन आवर अर्लियर लेक्चर्स। मतलब पिछले लेक्चर में कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, उनको आज हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग, मतलब आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक कवर्ड अप करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा कैनल सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी कुछ बातें सुन लीजिए आप लोग। देखो, एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और अगर हायर ऑर्गेनिज्म में आप लोग जाओगे तो उन सेल से ऑर्गन बनेगा, पहले तो सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो अल्टीमेटली बॉडी में जितने भी सारे सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, उनको फूड चाहिए होता है। और ये जो सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना, जिसके कारण सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, ये सेल बॉडी के सेल के लिए हार्मफुल होती हैं। तो बॉडी क्या करता है, उन सब चीज़ों को जो है अपने से बाहर भेज देता है, ठीक है ना, ओके। अब हायर एनिमल में तो ये जो न्यूट्रिशन है उनको कैरी करके लेके आने के लिए, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाने के लिए, उनमें वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग पोरीफेरा से थोड़ा सा हायर फाइलम में जाएं तो आपको उनमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके ऊपर वाले अगर फाइलम में आप लोग चले गए तो उनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। क्योंकि पोरीफेरा अपना एकदम सिंपल एनिमल है, इसमें खाली सेल्स का एक एग्रीगेशन है, खाली सेल्स का एक मतलब आपको गुच्छा देखने को मिलेगा बस। तो इनमें तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम आपका नहीं होता है, लेकिन इनके बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका तो डिमांड सेम ही होता है आपका। तो इन्होंने उस सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनके बॉडी में नहीं है, उस सर्कुलेटरी ऐसा क्या डेवलप किया इन्होंने कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम ना होने से भी इनका काम चल जाए, ठीक है ना। तो वो सिस्टम है कैनल सिस्टम। तो कैनल सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे कि देखो, ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर एक पोरीफेरा ड्रॉ करके रखा है, ठीक है ना। कैनल सिस्टम क्या करेगा, जैसे कि मैंने कहा था, जो पोरीफेरा होता है उसके बॉडी में क्या होता है, आपके पोर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए तो पोरस एनिमल कह रहे हैं। और उन पोर्स को मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। दोस पोर्स आर नोन एज योर ऑस्टिया। और इसी ऑस्टिया से क्या होगा, जो ये जो आपका क्या है, एनिमल क्या है, एक्वाटिक है, ये तो पानी में डूबा रहेगा ना आपका। तो इन्हीं ऑस्टिया से क्या होता है, जो वाटर होता है एनिमल के बॉडी में आता है, और वाटर अपने साथ क्या कैरी करके लाता है बच्चों, वाटर अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके लाएगा, फूड कैरी करके लाएगा, है कि नहीं। और अंदर का जो कैविटी था, इस कैविटी का नाम भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था, कैविटी का नाम क्या बोला था, स्पॉन्जियो सील बोला था मैंने आपको, है कि नहीं। और यहाँ पे ही सारा एक्सचेंज होगा, और ऊपर की तरफ से जो है, जो बड़ा ओपनिंग है, वहां से आपका वाटर निकल जाएगा, जिसको कहते हैं ऑस्कुलम। दिस ओपनिंग इज नोन एज योर ऑस्कुलम, है कि नहीं। तो ये जो एक्चुअली मैंने जो डायग्राम बनाया है आपका, पोरीफेरा का ही डायग्राम ड्रॉ किया है। ब्लू से मैंने जो है आउटर मोस्ट वॉल को बनाया है, जो ब्लू वाला है, ये बाहर वाला वॉल है आपका पिनाकोडर्म। रेड से मैंने एकदम इनर मोस्ट वॉल बनाया है, इसका बॉडी वॉल, दैट इज द क्वानोडर्म। और ये जो बीच वाला है, ये आपका मिडल आपका क्या है, बॉडी वॉल है, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, बाकी सब में भी मैंने वैसे ही ड्रॉ किया है, मैं एवरीथिंग आपको समझाऊंगा। और ये जो है आपका, जो बाहर की तरफ जो ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, ऑस्टिया कह रहे थे, जहाँ से पानी बॉडी के अंदर आएगा और कहाँ पे पहुँच जाएगा, स्पॉन्जियो सील में। यहाँ पर ही जो सब कुछ आपका क्या होगा, एक्सचेंज वगैरह होगा, और पानी के साथ ही जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका क्लियर है।
अब देखो स्पॉन्जेस भी क्या होते हैं, जैसे कुछ कुछ स्पॉन्जेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है आपका, कुछ स्पॉन्जेस तो एकदम सिंपल होंगे और कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होंगे जिनमें आपको जो सेल का पोजीशन या फिर बॉडी वॉल का जो शेप होगा वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ क्या होता है, उनमें जो कैनल सिस्टम है वो भी अलग होता जाता है। कैनल सिस्टम एक्चुअली क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स, ओके। तो कैनल सिस्टम मेनली क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स, नेटवर्क ऑफ कैनल्स। ये कैनल का ही एक नेटवर्क है, खाली सिंपल सी बात है, जिसमें से वाटर इस एनिमल के बॉडी के अंदर आएगा और फिर बाहर चला जाएगा आपका ऑस्कुलम से, और वाटर क्या क्या कैरी करके लाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब इन कैनल्स के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये कैनल किस तरह से अरेंज है उसके ऊपर, जो कैनल सिस्टम होते हैं पॉरीफेरा में आपको तीन तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पहला टाइप आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, एस्कॉन टाइप। फर्स्ट टाइप इज योर एस्कॉन टाइप, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप, ये एकदम सिंपलेस्ट है एस्कॉन टाइप, ठीक है ना। एस्कॉन टाइप में क्या है आपका, देखो बॉडी वॉल में आपको कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, बस ऑस्टिया से पानी अंदर की तरफ आएगा, स्पॉन्जियोसील में जाएगा और ऑस्कुलम से आपका बाहर चला जाएगा। तो ये है आपका एस्कॉन टाइप कैनल सिस्टम, जो आपको कौन से स्पॉन्ज में देखने को मिलेगा या फिर कौन से पॉरीफेरा में देखने को मिलेगा, ल्यूकोसोलिनिया में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो एक और तरह का आपको कैनल सिस्टम देखने को मिलेगा वो होगा आपका साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप जो है वो इंटरमीडिएट टाइप है, मतलब कि बीच वाला, इट इज अ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम, मतलब कि ये ना तो ज्यादा सिंपल है ना तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये वाला जो अपना था, दिस वन इज योर एस्कॉन टाइप, और यहां पर आप लोग देखो ये जो है दिस वन इज साइकॉन टाइप। अब साइकॉन टाइप में क्या चेंज नजर आ रहा है आपको, यहां पे देखो बॉडी वॉल कैसा था, बॉडी वॉल जो था सिंपल इस तरह का आपको एक बॉडी वॉल देखने को मिल रहा था, है कि नहीं, लाइक दिस यू आर एबल टू सी द बॉडी वॉल, है कि नहीं। यहां पर एक सिंपल बॉडी वॉल आपको देखने को मिल रहा था एस्कॉन टाइप में, और यहां पर आपको जो है कैनल्स वगैरह यहां पर देखने को मिल रहे हैं इस तरह से, तो ये सिंपल टाइप हो गया आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर साइकॉन टाइप की, तो साइकॉन टाइप में हमको क्या चेंज देखने को मिल रहा है, साइकॉन टाइप में देखो बॉडी वॉल में आपको फोल्डिंग नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। तो बॉडी वॉल में यहां पर क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, वी कैन सी द फोल्डिंग इन द बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल में फोल्डिंग होने के कारण इस एनिमल को क्या बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा गैस कर सकते हो, अगर बॉडी वॉल में फोल्डिंग हो रहा है तो क्या बेनिफिट हो रहा है इस पॉरीफेरा को। पहले देखो बेनिफिट क्या है, मैं बोल रहा हूं पहले इस एनिमल का जो सरफेस था, जो बाहरी सतह था, वो पानी के कांटेक्ट में था, लेकिन अब जब इसका बॉडी वॉल में आपका फोल्डिंग हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस, ज्यादा से ज्यादा जो उसका बाहरी सतह है वो पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक अगर डिस्टेंस है आपका 10 मीटर, और यहां से लेके यहां तक अगर मैं एक रस्सी लगा देता हूं, यहां से यहां तक अगर एक मैं रस्सी लगा देता हूं 10 मीटर का, तो इसका लेंथ इतना होगा। लेकिन अगर मैं एक रस्सी इसी लेंथ में लगाता हूं, लेकिन उसको मैं फोल्ड करके लगाता हूं इस तरह से, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 40 मीटर तक हो सकता है आपका, क्योंकि फोल्ड है। तो यहां पर जितना सरफेस एरिया था और यहां पर जितना सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया कि नहीं, फोल्डिंग होने के कारण क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा अब यहां पर वाटर के कांटेक्ट में, ये सरफेस जितना था यहां पर ज्यादा सरफेस वाटर के कांटेक्ट में होगा कि नहीं। बस सिंपल सी बात है, अब ज्यादा सरफेस अगर इसके वाटर के कांटेक्ट में होगा मतलब क्या होगा, ज्यादा वाटर मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट, ज्यादा न्यूट्रिएंट मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है आपका ये जो साइकॉन टाइप है ये थोड़ा सा एडवांस हो गया किससे, एस्कॉन टाइप से। यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जो बॉडी वॉल है उसमें फोल्डिंग देखने को मिलेगा, और फोल्डिंग का मेन मतलब क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विथ कॉन्टैक्ट विथ द वाटर, जो भी सरफेस एरिया है इट विल बी इंक्रीजिंग वाटर के साथ, उस सरफेस एरिया का कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा आपका, ओके। और सेम आपको यहां पर जो है ऑस्टिया वगैरह देखने को मिलेगा,
और इसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कि प्रोसोपाइलस, एपोपाइलस, इनकरेंट कैनल, एक्सकरेंट कैनल, ठीक है ना, यहाँ पर होते हैं वो सारे, लेकिन नहीं चाहिए इतना डिटेल में आप लोगों को, ठीक है। बस आप लोगों को साइकॉन टाइप में ये चाहिए कि बॉडी वॉल में आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पानी आया, और देखो क्योंकि बॉडी वॉल में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, तो बॉडी वॉल में सेल्स होते हैं तो सेल्स को अब ज़्यादा वाटर मिल रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर देखो जो स्पॉन्जियो सील है, स्पॉन्जियो सील का जो आपका कैविटी का जो साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर उसको बाहर से मिल ही रहा है, आपका सेल्स के कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी आ ही रहा है, और ऑस्कुलम से पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यह है साइकॉन टाइप कैनल सिस्टम, और ये साइकॉन टाइप कैनल सिस्टम हमको एक स्पॉन्ज है जिसका नाम है साइकॉन, उसमें हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप या फिर सबसे एडवांस टाइप जो आपको कैनल सिस्टम देखने को मिलेगा वो होगा ल्यूकॉन टाइप, दिस इज द एडवांस टाइप। ओके, तो ये एडवांस टाइप कैनल सिस्टम है। अब इस कैनल सिस्टम में देखो क्या हो रहा है, दिस इज आवर ल्यूकॉन टाइप, इस ल्यूकॉन टाइप कैनल सिस्टम में कुछ चेंबर्स बन रहे हैं, इन चेंबर्स को कहते हैं फ्लैजिलेटेड चेंबर्स। चेंबर्स मतलब छोटे छोटे आपके क्या बन रहे हैं, वहां पर कैविटीज बन रहे हैं, चेंबर मतलब छोटा सा जगह, ठीक है ना। तो अब देखो इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड कैनल सिस्टम, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आ रहा है कि नहीं, और इसके यहां पर देखो जितना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा उतना ही जो है आपका स्पॉन्जियो सील वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि यहां पर जो फ्लैजिलेटेड चेंबर्स बने हैं और चेंबर्स में जो कैनल का कनेक्शन है, तो यहां पर जितने भी सेल्स होंगे उन सेल्स को ऑलरेडी आपका क्या मिल रहा है, यहां से जो है वाटर वगैरह या फिर ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो स्पॉन्जियो सील है वो भी छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम जो है ऑस्ट्रिया से पानी अंदर की तरफ आएगा आपका, ओके, इन सब चेंबर्स में कलेक्ट होगा, इन सब कैनल्स के थ्रू सारे चेंबर्स में ये पानी भर जाएगा आपका, और अल्टीमेटली सारे सेल्स जो है इसको यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करने के बाद जो पानी वगैरह है वो आपका यहाँ से जो है बाहर की तरफ चला जाएगा उस कुलम से, ठीक है ना। तो ये है एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकॉन टाइप कैनल सिस्टम, और इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक स्पेशल टाइप का स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पॉन्ज है वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, वो तो आपको मिले मैराइन वाटर में, मैंने कहा था फ्यू आर ओनली फ्रेश वाटर, स्पॉन्जिला आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा मीठे पानी में, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा बच्चों, कैनल सिस्टम सीखा। कैनल सिस्टम क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, खाली ये नेटवर्क ऑफ कैनल्स है बस, इन कैनल्स का नेटवर्क में जितना एडवांसमेंट आता जाएगा, जितना कॉम्प्लिकेशन, जितना जटिलता आते जाएगा, उसी हिसाब से जो है कैनल सिस्टम का नाम भी बदलता जाएगा। एकदम सिंपल वाले को कह रहे हैं एस्कॉन टाइप, उससे थोड़ा एडवांस वाले को कह रहे हैं साइकॉन टाइप, और उससे एडवांस वाले को कह रहे हैं ल्यूकॉन टाइप। ओके, अब नीट में कैनल सिस्टम के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को पूछ लिया जाएगा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम का नाम बताइए, या फिर कैनल सिस्टम कौन से फाइलम में मिलता है, तो आंसर होगा पॉरीफेरा। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम अगर आपसे पूछ लिया तो आंसर होगा एस्कॉन टाइप। अगर आपसे पूछ लिया सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप या फिर एडवांस टाइप कैनल सिस्टम कौन सा है, तो आंसर होगा ल्यूकॉन टाइप, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं तब भी आपके साथ ऐसे तरह के क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगा। तो मेरे ख्याल से कैनल सिस्टम बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। और कैनल सिस्टम इनमें क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये किसका हेल्प ले रहे हैं, एनवायरमेंटल सर्कुलेशन का हेल्प ले रहे हैं, एनवायरमेंट में जो वाटर है उसी के ही सर्कुलेशन का ये क्या ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। एम आई क्लियर फॉर यू। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, ये सेंटेंस देख के डरना नहीं है, इसका मतलब सिंपल है, इस फाइलम में पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल, इस फाइलम को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल, क्लियर। तो कुछ एनिमल्स के नाम जानना जरूरी है पॉरीफेरा फाइलम से, और जो इंपॉर्टेंट है नीट में पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला वाला है ल्यूकोसोलिनिया, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, जिसमें एस्कॉन टाइप कैनल सिस्टम देखने को मिलता है। फिर है साइकॉन, ये रहा साइकॉन के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया, साइकॉन में कौन सा टाइप ऑफ कैनल सिस्टम देखने को मिलता है, साइकॉन टाइप। और इसको अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं, अर्न स्पॉन्ज क्यों कहते हैं, इसके शेप के कारण। अर्न देखा है ना, मिट्टी का जो घड़ा होता है इस तरह से, है ना,
है ना, मिट्टी का घड़ा होता है ना, अंड शेप, इसको अंड शेप भी कहा, अंड स्पॉन्ज भी कहा जाता है इसलिए। फिर अगला है आपका यूप्लेक्टिका। यूप्लेक्टिका को वेनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको वेनस फ्लावर बास्केट, क्योंकि कुछ एशियन कंट्रीज होती हैं जैसे कि चाइना, जापान, ठीक है ना, वहाँ पर जब दो लोगों का शादी होता है तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो यूप्लेक्टिका है ये स्पॉन्ज है, इसको गिफ्ट करते हैं एज अ वेडिंग गिफ्ट, ठीक है ना। तो वेनस फ्लावर बास्केट, ओके। नेक्स्ट ईयर यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है। यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज क्यों कहा जाता है, पहले के ज़माने में लोग जब नहाते थे, शरीर को, स्किन को साफ करते थे, तो यही स्पॉन्ज से क्या करते थे, वो अपने स्किन को रब करते थे ड्यूरिंग बाथिंग, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर है स्पॉन्जिला, ये है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मीठे पानी में पाया जाने वाला स्पॉन्ज, जिसमें आपका सबसे एडवांस टाइप कैनल सिस्टम भी देखने को मिलता है, दैट इज द ल्यूकोन टाइप। फिर है आपका सिलोना। सिलोना को हम लोग बोरिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये एनिमल किंगडम पढ़ा पढ़ा के जब बोर करता है, वैसा वाला नहीं, ठीक है ना। बोरिंग स्पॉन्ज क्यों कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। बोरिंग स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं, बोरिंग करना मतलब खोदना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पानी जब एक हैंडपम्प लगाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी में बोरिंग किया जाता है ना, छेद किया जाता है ना, तो ये बोरिंग स्पॉन्ज क्या करता है आपका, आप लोगों का ऑयस्टर्स पता है, ऑयस्टर्स जिसके अंदर मोती बनता है आपका, ऑयस्टर्स है ना, इस तरह से ऑयस्टर होता है ना, ऑयस्टर, इसको अगर ये ऐसे खुल जाता है आपका, है ना, इस तरह से ये खुल जाता है आपका लाइक दिस। एक्चुअली ये कौन सा फाइलम का एनिमल है, ये मोलस्क का फाइलम का एनिमल, और इसके अंदर हमको क्या मिलता है, इसके अंदर बनता है आपका पर्ल, मोती बनता है इसके अंदर आपका, तो जब मोलस्क का पढ़ाऊंगा मैं तभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या करता है आपका, जो सिलोना होता है ये इसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करता है, इसके ऊपर ये ग्रो करना स्टार्ट करता है, और इसमें आपका छेद कर देता है, ये बोर करना, छेद करना, और इसको डैमेज कर देता है आपका ये, ठीक है ना। तो जो पर्ल इंडस्ट्री होता है आजकल आर्टिफिशियली क्या करते हैं, कुछ मोलस्का को पाला जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, जैसे फिशरी होता है ना, उसी तरह से मोलस्का को पाला जाता है और उनसे मोतियों का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो अपना जो स्पॉन्ज है सिलोना, ये ठेठ है, ये खतरा है एक उस तरह के इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। फिर है सालीना। ये जो सालीना है इसको हम लोग कहते हैं मरमेड स्पॉन्ज। मरमेड क्या होता है, पानी में रहते हैं ना जलपरी, उसको मरमेड कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, ओके। तो मरमेड स्पॉन्ज भी कहा जाता है। मरमेड स्पॉन्ज क्यों कहा जाता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है इसीलिए, या फिर इसको कभी कभी मरमेड ग्लव्स भी कहा जाता है, इस तरह का ये आपका नजर आता है लाइक दिस स्पॉन्ज, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉरीफेरा के, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको याद रखना है, क्लियर। अब इस फाइलम के एकदम लास्ट में जाएंगे, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम। वैसे तो एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्लासिफिकेशन से पूछ लिए जाते हैं, ओके, और जानना जरूरी है क्योंकि एम्स में पूछा जाता है। सो आई थिंक कैनल सिस्टम और एनिमल्स के एग्जाम्पल क्लियर है। नाउ विल बी डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम क्या होता है, एनिमल किंगडम को तो हमने बांट दिया अलग अलग फाइलम में, अब एक फाइलम को फिर से कैसे बांटे, एक फाइलम को हम फिर से बांट सकते हैं उस फाइलम में, देखो एक जैसे पोरीफेरा फाइलम है, इसमें बहुत सारे एनिमल है कि नहीं, लेकिन सारे एनिमल का बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, या फिर एक दो कैरेक्टर उनमें अलग हो सकता है, तो उसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या करेंगे, फिर उनको जो है अलग अलग क्लासेस में बांट देंगे। जैसे कि ह्यूमन बीन की ही बात करें, ह्यूमन बीन तो सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन ह्यूमन बीन्स में भी आपके फिर अलग अलग रेसेस आ जाते हैं ना, जैसे कि एशियंस होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, मंगोलॉइड होते हैं, निग्रोज होते हैं ना, तो सबका थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर अलग होता है कि नहीं आपका, तो उसी तरह से यहाँ पर पॉरीफेरा में जो एनिमल्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी, उसके ऊपर फिर हमने उन एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, जिनको हम लोग क्लासेस कहते हैं, ठीक है ना। देखिए नाउ विल बी डूइंग द क्लासिफिकेशन। ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। और ये क्लासिफिकेशन हमने किसके ऊपर बेस करके किया है, सो क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन
क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। मतलब कि ये जो पॉरीफेरा का स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैंने बोला था ना आपको, मिडिल लेयर में देखने को मिलता है। और स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्केलेटल सिस्टम में स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होता है। स्पीक्यूल्स मैंने कहा था दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है कैल्केरियस जो कैल्शियम कार्बोनेट के बनेंगे, एक होगा सिलिसियस, है कि नहीं, और स्पॉन्जिन फाइबर। तो कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होंगे जिनमें कैल्केरियस स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग एक ग्रुप में रख देंगे, एक क्लास में रख देंगे। फिर कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होंगे जिनमें आपको सिलिसियस स्पीक्यूल्स देखने को मिलेंगे, उनको एक क्लास में रख देंगे। तो इस तरह से होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्लास होता है, तीन क्लास हमको देखने को मिलेंगे, तीन कॉलम हम लोग यहाँ पे बढ़िया से बना लेते हैं। सबसे पहला वाला क्लास है कैल्केरिया, द फर्स्ट क्लास इज नोन एज योर कैल्केरिया। सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास होगा आपका हेक्सा एक्टिलिंडिडा। ओके, देखिए ओके, ये सेकेंड क्लास, पहला क्लास है कैल्केरिया, दूसरा क्लास है हेक्सा एक्टिलिंडा, ओके, एंड तीसरा क्लास डेस्मोस्पॉन्जिए। दिस इज द थर्ड क्लास, या फिर डेस्मोस्पॉन्जिया भी आप लोग कह सकते हो। अब बस एक दो पॉइंट पढ़ते हैं किस हिसाब से, मतलब यहां पर जो स्पॉन्ज है वो कैसे अलग है इन स्पॉन्ज से, यहां पर जो स्पॉन्ज है वो कैसे अलग है इन स्पॉन्ज से, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इनको हम लोग कैल्केरियस स्पॉन्ज भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कैल्केरियस स्पॉन्जेस। तो इनको कैल्केरियस स्पॉन्जेस भी कहते हैं, दे आर फाउंड इन मैराइन वाटर, लेकिन ये सैलो मैराइन वाटर में तो मिलते हैं, तो फाउंड इन सैलो मैराइन वाटर लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, सैलो। सैलो मतलब जो कम गहरा होता है उसको कहते हैं सैलो, ठीक है ना, ओके। इनमें कौन से स्पीक्यूल्स मिलेंगे? कैल्केरियस स्पीक्यूल्स आर प्रेजेंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्लास का। इनमें जो स्केलेटल सिस्टम में जो आपको स्पीक्यूल्स देखने को मिलेंगे वो कौन से स्पीक्यूल्स देखने को मिलेंगे? आपको कैल्केरियस स्पीक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, साइफा हो गया एंड ल्यूकोसोलिनिया, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम लोग जो है अपना सेकेंड क्लास है जो हेक्सा एक्टिलिंडा, ठीक है ना। इस क्लास में क्या खास बात होती है? सबसे पहले तो दे आर कॉल्ड ग्लास स्पॉन्जेस, इनको ग्लास स्पॉन्जेस भी कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं दिखने में ये ग्लास शेप के होते हैं आपके, ठीक है ना। ये भी आपके मैराइन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं बट गहरे पानी में, ये सैलो पानी में मिल रहे थे कम गहराई पर, ये गहरे पानी में, ठीक है ना। डीप, या फिर ऐसे लिखते हैं हम लोग, फाउंड इन
फाउंड इन डीप मैराइन वाटर। कल कोई मेरे से पूछ रहा था मैराइन वाटर क्या होता है। मैराइन वाटर मतलब खारा पानी जो समुंदर में मिलता है, सॉल्टी वाटर, ठीक है ना। और जो मीठा पानी होता है या फिर जो लेक में मिलता है, नदियों में मिलता है, उसको कहते हैं फ्रेश वाटर या फिर मीठा पानी, ठीक है ना। एक और आपको वाटर देखने को मिलेगा, ब्रैकिश वाटर। अब मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा वो क्या होता है आपका, ठीक है ना। इनमें जो स्पीक्यूल्स होगा वो सिलिशियस स्पीक्यूल्स मिलेगा। जो सिलिका के बने होंगे आपके, ठीक है ना। जिसके एग्जाम्पल होगा हाइलोनीमा, ओके। एक और एग्जाम्पल होगा इसके यूप्लेक्टिका, ओके। यूप्लेक्टिका विल बी एग्जाम्पल, PLECTELLA, यूप्लेक्टिका, ओके, ठीक है। दो क्लास हमने डिस्कस किया यहां पर, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड होकर हो रहा है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। मतलब इनमें स्केलेटल सिस्टम मैंने आप लोगों को जो है कल के क्लास में बताया था, स्केलेटल सिस्टम इनके मिडल जो बॉडी वॉल है उसमें देखने को मिल रहा था। उसमें आपको स्पीक्यूल्स देखने को मिल रहे थे जो दो तरह के थे। एक तो था जो कैल्शियम कार्बोनेट का बन रहा था, दूसरा सिलिकॉन या फिर सिलिका का बन रहा था आपका, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बेस करके जैसे कि आपका कैल्केरिया है, इन स्पॉन्ज में आपको जो स्पीक्यूल्स देखने को मिलेगा वो किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्केरियस होंगे वो, ठीक है ना। क्लास टू इनमें जो आपको स्पीक्यूल्स देखने को मिलेगा वो किसका होगा? सिलिशियस होंगे वो। अब क्लास थ्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको कहां पे देखने को मिलेगा? सो दे आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन मैराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, एज वेल एज फ्रेश वाटर। मैराइन वाटर तो पता चल गया खारा पानी, फ्रेश वाटर तो पता चल गया मीठा पानी। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? आप ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जहां पर ये मान लो सी है, दिस इज अ सी, समंदर। समंदर में आके बहुत सारी नदियां मिलती है ना, सो दिस इज से आर रिवर। तो ये जो जंक्शन होता है जहां पर आपका रिवर आके जो है किसमें मिलता है, समंदर में आके मिलता है, दिस एरिया, यहां पे जो पानी मिलता है उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर, ओके। दिस इज नोन एज ब्रैकिश वाटर। समझ पा रहे हो आप लोग? ओके, तो ये तीनों जगह पर आपको मिल सकती हैं। आइदर ये फ्रेश वाटर में मिलेंगी, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगी, या फिर आपको कहां पे मिलेंगी? सी में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब इनमें किस तरह का आपका स्केलेटल सिस्टम पाया जाएगा? तो इनमें जो आपको स्केलेटल सिस्टम देखने को मिलेगा, सिलिशियस स्पीक्यूल्स, इनमें आपको सिलिशियस स्पीक्यूल्स देखने को मिल सकता है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर देखने को मिल सकता है, और बोथ, या फिर आपको दोनों ही देखने को मिल सकता है, स्पीक्यूल्स भी देखने को मिल सकता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर भी आपको देखने को मिल सकता है। समझ पा रहे हो? ये जो क्लास थ्री है डेस्मोस्पॉन्जिया, ये आपको फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं, ब्रैकिश वाटर में मिल रहे हैं जो मैंने आपको समझाया, और ये आपको फ्रेश मैराइन वाटर में मिल जाएंगे, तीनों जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। इनमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? स्पीक्यूल्स, कौन से स्पीक्यूल्स? सिलिशियस स्पीक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होंगे, ये नहीं होंगे तो स्पॉन्जिन फाइबर जरूर होंगे, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, बोथ। समझ गए? तो ऐसे स्पॉन्जेस को हम लोग कौन से क्लास में रखते हैं? डेस्मोस्पॉन्जिया में रखते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा जैसे कि स्पॉन्जिला, इसका एग्जाम्पल होगा स्पॉन्जिला चालीना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना। तो इसके साथ ही जो है हमने क्या किया, फाइलम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन भी खत्म कर दिया, और साथों साथ जो हमने फाइलम पॉरीफेरा है उसको भी खत्म कर दिया। तो बच्चों उम्मीद है कि जो फाइलम पॉरीफेरा है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और बच्चों कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों, मेरे को जो है आप लोग थोड़ा खुल के बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, ओके।
और प्लस कहाँ समझ में नहीं आ रहा या फिर कैसा करने से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये भी आप लोग मेरे को बोलिए। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग अगले फाइलम को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सीलेंट डेटा। ओके, तो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।